जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्र अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, आज जो खबर निकल कर सामने आ रही है ये भारत के दुश्मन देशों को, भारत के विरोधी देशों को काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। और चाइना और पाकिस्तान को समर्थन करने वाले लोग इस खबर को बिल्कुल ना देखें। दरअसल दोस्तों, भारत डिफेंस के क्षेत्र में 85 से ज्यादा देशों के अंदर घुसने की पूरी तैयारी कर चुका है, या फिर एक तरीके से घुस चुका है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। और इसी कड़ी में दोस्तों, रक्षा निर्यात के मामले में भारत अपने अभी तक के सबसे उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका है। दरअसल दोस्तों, भारत सरकार ने आंकड़े दर्ज किए कि भारत 2013-14 में रक्षा निर्यात के मामले में 686 करोड़ का बिजनेस करता था, और वहीं 2022-23 में ये बढ़कर 15,940 करोड़ तक पहुंच गया। सरल शब्दों में कहा जाए तो डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने 23 गुना की वृद्धि दर्ज कराई है, जो कि आसान कार्य नहीं है। एक समय था दोस्तों, जब भारत अपनी जरूरतों के लिए अपनी सेनाओं की हथियारों की आपूर्ति करने के लिए जो हथियार है वो बाहर के देशों से इम्पोर्ट किया करता था भारी संख्या में। लेकिन दोस्तों, ये भारतवासियों के लिए और भारतीय साइंटिस्टों के लिए, भारत के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि भारत अब न सिर्फ अपनी सेनाओं की जरूरतों के लिए हथियार खुद से बना रहा है और अपने बनाए गए इन स्वदेशी हथियारों का निर्यात भी कर रहा है बड़ी संख्या में। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, भारत दूसरे देशों के हथियारों के ऊपर 46% तक निर्भर था। लेकिन दोस्तों, अब भारत को बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर 2022 के आंकड़ों के हिसाब से जो भारत की निर्भरता है दूसरे देशों के हथियारों के ऊपर, वो 36.7% रह गई है, जिसे की और भी ज्यादा कम किया जाना काफी ज्यादा आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, भारतीय साइंटिस्टों की मेहनत और भारतीय लोगों की लगन के लिए और आप सभी मित्रगणों का साथ महसूस करने के लिए कमेंट्स में एक जय हिंद तो बनता है। और आपको बताना चाहूंगा, इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि भारत का स्वदेशी INS विक्रांत जहाज भी है। दरअसल दोस्तों, भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरी कर रहा है, बल्कि विश्व के छोटे बड़े कुल मिलाकर 85 देशों की जरूरतें भी हथियारों के क्षेत्र में पूरी कर रहा है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में आप सभी मित्रगणों के जो भी विचार है कमेंट्स कर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।